भोपाल में एक व्यापारी को अगवा कर उसकी पत्नी से फिरौती में मोटी रकम मांगने और बाद में महिला को बंधक बनाकर उसकी अस्मत दूरने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी अमित महिला पुलिसकर्मी का बेटा है जो व्यापारी की पत्नी से एक तरफा प्रेम करता था। आरोपी अमित ने पहले अपने साथियों के साथ व्यापारी का अपहरण किया और बाद में उसकी पत्नी से फिरौती की मांग की, व्यापारी की पत्नी का रेप किया। उसके सहयोग के लिए डंपर चलने वाले 4 साथी भी शामिल थे जिन्होंने पति को छोड़ने के लिए फिरौती की मोटी रकम की मांग की थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक हमारे पास 24 तारीख को एक गुम इंसान दर्ज की रिपोर्ट आई थी मुकेश पटवा नाम के आदमी की। उसके भाई द्वारा गुम इंसान दर्ज कराया गया था ओपी पटवा द्वारा और उसकी फिर तफ्तीश करने पर यह पाया गया कि 23 तारीख की रात के 12 बजे अमित तिवारी नाम का आरोपी, इन लोगों ने मुकेश पटवा जब अपने दुकान से अपने कपड़े का व्यवसाय करता है अपनी दुकान से जब घर वापस जा रहा था तो यूनिक कॉलेज के पास शास्त्री नगर में यूनिक कॉलेज के पास जो कि इसके घर के पास में है और इसको सामने एक मोटरसाइकिल ने इसको अड़ा के इसकी गाड़ी रोकी और उसके बाद उससे 2 लोग उतरे और बगल में एक कार खड़ी हुई थी और उस कार में ले जाके इसको बिठा दिया और यहाँ से ले जाकर इसको सौम्या फॉर्चून मिसरौद थाना अंतर्गत सौम्या फॉर्चून नाम की कॉलोनी में एक फ्लैट है जो कि अमित तिवारी का है उस फ्लैट में ले जाके उसको वहाँ पे रखा गया और उसके बाद इसको अगले दिन रात को अमित तिवारी उसने वहाँ पे उसको बंधक बना के रखा। उसके बाद फिर अगले दिन इनकी पत्नी के घर पे गया जहाँ पे इसका घर है वहाँ पे जहाँ पे इसकी घर में पत्नी अकेली थी पत्नी के वहाँ पे गया उससे इसने पैसे मांगे जो जो सामान था पैसा था ये सब मांगा पूरे पैसे वगैरह उससे लेकर लगभग 50,000 रुपये उसके पास कैश उस समय था। उसके अलावा 4 सोने की चूड़ी 2 मंगलसूत्र और अन्य गहने चांदी की पायल वगैरह ये सब लेकर वो उसने फिर रात को उनके साथ जबरदस्ती करी। रात को जबरदस्ती करने के बाद अगले दिन सुबह वो उनकी पत्नी को भी ले जाकर जहाँ पर ये सौम्या फॉर्चून में फ्लैट था वहाँ लेके गया और उसके अलावा फिर हम लोगों ने जब पुलिस ने टीटी नगर पुलिस ने इसकी तफ्तीश करके उसके बाद फिर इसको भी आदमी इन सबको इनके जो 5 लोग थे जो इस घटना में थे 5 लोगों को हिरासत में लिया सारा माल बरामद किया। उसके बाद जब ये वहाँ पे गए थे उसके फ्लैट पे सौम्या फॉर्चून में तो वहाँ पे इसके पति से फिर से ATM लिया इन लोगों ने और उसके ATM से 40,000 रुपये पटवा के ATM से निकाले और वो भी अपने पास में रखे जिसमें से 89,000 यहाँ पर है 1,000 रुपये इसने कहीं इधर उधर कर दिए हैं। ये 2009 से एक मंदिर में ये लोग मिले थे इनका पूरा परिवार मिला था और तब से इनकी पारिवारिक मित्रता थी। इसकी पत्नी अमित की इसकी ऐसी विसंगतियों के कुसंगतियों के कारण इसको छोड़ के चली गई। उसके बाद से ये इनकी वाइफ को फ़ोन करता रहता था लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं देती थी इसके कारण उसे चिढ़ में उससे बदला लेने की मंशा से इसने ये कृत्य किया। और अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अनिल सारसर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अनिल, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिन पर अपहरण और बलात्कार का केस दर्ज किया गया है, क्या है पूरा मामला? अनिल, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।